दोस्तों आज के हम लोग देखेंगे क्लास इलेवन इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का चैप्टर टू वी आर नॉट एफ टू इफ डायफ कैन ऑल बी टुगेदर का ट्वेंटी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए फिर वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ वी आर नॉट एफ टू इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर इस क्वेश्चन के ऑप्शन है गॉर्डन कुक सिंह निक मिडिल्टन कमला दास इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है गॉर्डन कुक नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एज ऑफ सुजेन एंड जोनाथन सुजेन और जोनाथन का एज कितना था ऑप्शन बॉस सेवन एंड जोनाथन बस एट इयर्स ओल्ड नेक्स्ट ऑप्शन है सुजेन बॉस सेवन एंड जोनाथन बस सिक्स ओल्ड सी नंबर ऑप्शन है सुजेन बॉस सेवन एंड जोनाथन वॉस एट इयर्स ओल्ड नेक्स्ट ऑप्शन है सुजेन वॉज फाइव एंड जोनाथन वॉस फोर इयर्स ओल्ड इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सुजन वॉज सेवन एंड जोराथन वॉज सिक्स ओल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट बोट का क्या नाम था ऑप्शन से ऑप्शनिक वेब रनर वेब वॉकर नॉन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वेब वॉकर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बोट्स हाइट एंड वेट बोट का हाइट और वेट कितना था ऑप्शन है ट्वेंटी मीटर लॉन्ग एंड थर्टी टन वेट नेक्स्ट ऑप्शन है ट्वेंटी सेवन मीटर लॉन्ग एंड थर्टी टन वेट नेक्स्ट ऑप्शन मीटर लॉन्ग एंड टन वेट या नॉन ऑफ़ इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन थे ऑप्शन सेवन ईयर ओल्ड बिजनेसमैन ए फोर्टी टीचर नॉन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एवन ईयर ऑल्ड बिजनेसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोडन कुक वांटेड टू डुप्लीकेट द वर्ल्ड वाइस ऑफ गोडन कुक किसके समुद्री यात्रा को डुप्लीकेट करना चाहता था ऑप्शन से कैप्टन डेरी विजन कैप्टन स्विस हर्ब सिगलेर कैप्टन जेम्स कुक नॉन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कैप्टन जेम्स कुक नेक्स्ट क्वेश्चन है गोर्डन कुक एंड वाइफ डेवलप्ड सी फेयरिंग स्किल फ्रॉम द लास्ट गॉर्डन कुक और उसकी वाइफ कितने सालों से सी फेरिंग स्किल को डेवलप कर रहे थे ऑप्शन से टेन ईयर्स ट्वेल्व ईयर्स सिक्सटीन ईयर्स या ट्वेंटी ईयर्स इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्सटीन ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन एंड फ्रॉम फेर डिड दे स्टार्ट देयर जर्नी कब और कहां से उन लोगों ने अपना यात्रा को शुरू किया था इस क्वेश्चन के ऑप्शन है फ्रॉम केप टाउन इन नाइनटीन सेवेंटी एट नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम प्लाइमेट टाउन इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स मुंबई इन नाइनटीन एटी नाइन नॉन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम प्लेमेट टाउन इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट पार्ट ऑफ जर्नी वॉज द हैपीस्ट जर्नी फॉर गॉड एंडक एंड हिज फैमिली आखिर यात्रा का कौन सा पार्ट इनके लिए सबसे अच्छा यात्रा रहा था ऑप्शन है फ्रॉम कैपटाउन टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम प्लेमेट टाउन इंग्लैंड टू कैपटाउन फ्रॉम कैपटाउन टू मुंबई नॉन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम प्लेमेंट टाउन इंग्लैंड टू कैपटाउन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर हायर इन कैपटाउन कैपटाउन में किनको वो हायर करता है ऑप्शन अमेरिकन लेडी विजल स्विस हर्ब साइगलर बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डिज द डिस हिट द बोट समुद्र का खतरनाक वेब बोट से कब टकराती है ऑप्शन ऑन ट्वेंटी फिफ्थ डिसम्बर ऑन सेकेंड जनवरी ऑन फिफ्थ जनवरी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑन सेकेंड जनवरी नेक्स्ट क्वेश्चन है वट है वेब हिट द बोट क्या होता है जब बोट से वेब टकराती है ऑप्शन है ऑर्थर्स हेड स्मैस्ड ऑन द व्हील एंड ही वॉज टॉस्ड इन दी ऑर्थर्स का हेड व्हील से टकराती है और वो समुद्र पे गिर जाता है नेक्स्ट ऑप्शन है द बोट इमर्ट इनटू द सी। बोट समुद्र में डूब जाती है नेक्स्ट ऑप्शन है एवरी वन है लाइफ हर कोई मर जाता है और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेडिकॉल मेडिकॉल क्या होती है ऑप्शन है इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कॉल डिस्ट्रेस कॉल मेड फोर हेल्प बोथ ए एन बी नॉन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी नंबर बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड अ बिग बंप ऑन हेड सर पर किसको चोट लगती है और स्वेलिंग आ जाती है ऑप्शन है सुजेन जूनाथन मेरी गॉर्डन कुक इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सुजेन ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मस द इंसिडेंट कॉज टू द ऑथर इस घटना से ऑथर को कितना चोट पहुंचती है ऑप्शन से ही ही हिज 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 लेग हैंड विथ ब्रॉक एंड टिथ्स नॉन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है वे डिट गोर्डन कुक डिसाइडेड टू डी गोर्डन कुक कहां पहुंचने का निर्णय लेता है ऑप्शन से डोम सबसे नजदीक का आइलैंड एमेस्टरडोम या नियरेस्ट पॉर्ट या ऑस्ट्रेलिया या नॉन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नियरेस्ट आइलैंड एमस्टरडेम नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द आइलैंड आइलैंड का डायमेंशन कितना था ऑप्शन है सिक्सटी किलोमीटर हंड्रेड किलोमीटर एट्टी किलोमीटर वन किलोमीटर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 65 किलोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड सेड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर किसने कहा था हम मरने से नहीं डरते अगर सब साथ में मरे तो ऑप्शन हैं सुजेन जुनाथन मैरी नॉन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जुनाथन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द आइलैंड आयल एम एस डैम वॉज फॉर्म टापू का निर्माण किस तरह से हुआ था ऑप्शन है बाइ भोल्केनिकरप्शन बाय द क्वालिजन ऑफ एन एस्ट्रॉइड बाई द क्वालिजन ऑफ टू अर्थ प्लेट बाय अर्थ इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बायशन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डीड दिस्ट इन द आईलैंड लोग आईलैंड में कब पहुंचते हैं ऑप्शन है एट फाइव पी एम एट सिक्स पी एम एट सेवन पी एम एट फाइव ए एम इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एट सिक्स पी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड आइलैंड में रहने वाले कौन थे ऑप्शन है फ्रेंच साइंटिस्ट जापानीज साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट कोरियन साइंटिस्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब है फ्रेंच साइंटिस्ट ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इनहेबिटेंट्स वर इन द आइलैंड आइलैंड पे कितने सारे लोग थे ऑप्शन है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी एट तो ये सब कुछ क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर से जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद